अबे उधर कौन है आप, क्या चाहिए आपको? कहाँ है तेरा मालिक? हेलो सर, हम लोगों को कुछ लोगों ने रोक लिया है सर। स्टाफ के लोगों को मार रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। जल्दी आइए सर, वरना हमें नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो लोग, क्या चाहिए उन्हें? सर मैं कुछ नहीं जानता, ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं सर? तेरा मैं बता रही हूँ सर। तुम हो कहाँ? सर जल्दी आइए सर, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे सर। ठीक है मैं आता हूँ। कहाँ भाग के जा रही है? सुमित, शंकर तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुम तो अमेरिका में थे, यहाँ कब आए और ये सब क्या है? एयरपोर्ट से सीधा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में देखा कि कुछ गुंडे औरतों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, तो मैंने बस उनके छक्के छुड़ा दिए। दोस्त आज भी तुम स्लिम ट्रिम ही दिखते हो। है ना? दरअसल जिस तरह मैं मोटा अच्छा नहीं दिखूंगा वैसे ही तुम पतले अच्छे नहीं दिखोगे। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। शुक्रिया। ये मेरी कंपनी के लोग हैं। कुछ गुंडे इन्हें रास्ते में रोक कर इनके साथ हाथापाई कर रहे थे, पर तुमने यहाँ आके इन्हें बचा लिया। सर नहीं आते तो हम भी नहीं होते। ये इंडिया आ गए, अब देखना ये क्या करते हैं। अरे हमारी खूबसूरत भाभी गंगा कहीं दिखाई नहीं दे रही? यही है भाई। मैडम हेलो। हेलो गंगा कहाँ चली गई? यही तो थी। मेरी तो जान ही निकाल दी।
क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद ये गंगा बिल्कुल सुधर जाएगी, लेकिन ये तो आज भी वैसी ही नटखट और चुलबुली है। इसी चुलबुलेपन पर ही तो मर मिटे थे। गुड गुड, चलो घर चलते। आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। लव मैरिज के बाद हमने विंध्यपुरम जाने का फैसला किया है। इस बात से माँ बहुत नाराज है। मैं बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, आज अगर मैं एक कामयाब साइकेट्रिस्ट हूँ तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही का हाथ है। आपने इस अनाथ को अपने बेटे की तरह पाला। आपके एहसानों को मैं कभी नहीं भुला सकता। भले ही आज आप हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, पर हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा, इतने दिन बाद आया है। लगता है तू तो हमें भूल ही गया था। यहाँ से जाने के बाद एक बार भी तूने फोन नहीं किया। डॉक्टर क्या बन गया, माँ को ही भूल गया। फिक्र मत करो माँ, अब मैं वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम सबका ख्याल रखूंगा। सबका ख्याल तो तू रख सकता है बेटा, पर मेरी परेशानियों को कौन दूर करेगा? तुम्हारी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा माँ, फिक्र मत करो। अरे तूने तो मेरी मन की बात पढ़ ली, कैसे बेटा? माँ ये जादूगर है, ये किसी का चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है सब बता सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक जाना माना माइंड रीडर भी है। अभी पिछले साल ही इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। बस बस मैं समझ गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माँ, प्रैक्टिस से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ कि काम के सिलसिले में अगर सुमित विंध्यपुरम जाकर रहता है तो आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू नहीं जानता शंकर, मैंने सोचा था इसकी शादी गायत्री के छोटे भाई की बेटी प्रिया से करके टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ लूंगी, पर इसने भी वही किया, अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। मुझे पता था तू हंसेगा, क्योंकि तू उस घर में रहने वाली गायत्री को नहीं जानता। वो इतनी खतरनाक है कि उस घर में रहने वाले उसके भाई तक डरते हैं। ये वही गंगा को ले जा रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो गायत्री इससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। पर माँ, मैं उनके घर नहीं ठहरूंगा। तो फिर कहाँ रहोगे? उस गांव में जो पुरानी हवेली है उसे मैंने खरीद लिया है, मैं वहीं रहूंगा। क्या हुआ माँ? बेटा मैं बचपन से ही उस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ। वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। वो हवेली कई लोगों को निगल चुकी है। उस हवेली को खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ मेरे होते हुए तुम्हें सुमित और गंगा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही विंध्यपुरम जाकर तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलकर उनसे बात करके उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। साथ ही उस हवेली के बारे में पूरी जानकारी भी निकाल लूंगा। उसके बाद तुम ही फैसला करना इन दोनों को वहाँ रहना चाहिए या नहीं। किधर, कहाँ कहाँ कहाँ? अरे कहाँ आग लगी जिसकी गर्मी तुझे महसूस हो रही है? भगवान ने इतना बड़ा मुंह दिया है। जरा वहाँ तो देखिए कितनी सारी लंबी लंबी चमकदार गाड़ियाँ आ रही हैं। सच में लंबी और महंगी गाड़ियाँ हैं। काश हमारे पास भी एक होती। आइए आइए, अपना ही घर समझिए। बड़े भैया इनसे मिलिए, दुल्हे के पिताजी। 300 गाड़ी लेकर आए, ऑटो में आ सकते थे। नमस्कार। इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत थी, इतनी महंगाई के जमाने में आप पानी की तरह पेट्रोल बहा रहे हैं। वैसे हम प्रिया के माँ बाप हैं, लेकिन हमारे घर के सारे फैसले मेरी बड़ी दीदी गायत्री करती है। मैं बस यूं गया और पूछ कर आया, आप बैठिए। प्रिया का रिश्ता सरस्वती के कहने पर मैंने उसके बेटे से तय कर दिया है। सालों पहले जिसे मैंने चाहा सरस्वती ने उसी के साथ घर बसा लिया। उसने जो गलती की मैं वो दोहराना नहीं चाहती। ठीक है। अरे सब लोग कहाँ गए? अरे दीदी की भौंभू जैसी आवाज सुन के वो लोग कबूतर की तरह फुर्र हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और इन 8 सालों में सरस्वती काकी के परिवार से आज तक हमें कोई मिलने नहीं आया। अरे वो लोग कभी मिलने नहीं आए तो अच्छा ही है ना, ये सारी जमीन जायदाद हमारे ही से आएगी, उसमें हमारे बच्चे कबड्डी खेलेंगे। ए पोपट, ए दुल्हे राजा, फड़फड़ाते हुए आजा। कछुए पर बैठकर तो नहीं आ रहा, रॉकेट की खोज हो चुकी है, रॉकेट पर बैठकर आना चाहिए ना। ये कौन है? भौजी का तबेला समझे क्या जो बैलगाड़ी अंदर घुस रहा है? बैलगाड़ी लेके कौन आ रहा है? ए रोक रे, ए रुक, ए
नीचे उतर, ए रुक रुक रुक, ए नीचे उतर, नीचे उतर, ए नीचे, स्टॉप 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 स्टॉप। अरे यार कल के अंधे, वो तो सच में अंधा है, उसको यहाँ क्यों लेके आया? हाँ, नकली वीरप्पन के मूंछ वाले। नो नो नो। हेलो, कौन है भाई तू जो इन दो बैलों और एक गधे के साथ धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए? रामपुर से मैं कस्तूरी जी का। अरे दामाद जी, खुशी मनाओ, बैंड बजाओ, मिठाई बांटो। मुझे पता नहीं था आसमान में बैलगाड़ी भी उड़ती है। अच्छा वाले कर रहे हैं। देखिए जनाब, मैं आपका दामाद नहीं। अरे वो तो मालूम है, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि तुम ही हमारे दामाद बनोगे। मजाक कर रहे हैं? मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं आपका होने वाले दामाद जी, हम जानते हैं। ओहो, लगता है इन सबकी अकल घुटने में है। देखिए, मैं सुमित का दोस्त हूँ और मेरा नाम है शंकर। उस दिन आपको पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा यहाँ आने वाला है, वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है। वो बहाने बना सकता है, उसकी बातों में मत आइएगा। एक हफ्ते पहले ही सरस्वती जी ने मेरी बहन को ये बातें बता दी थी, इसलिए हम सब जानते हैं कि तुम एकदम झूठ बोल रहे हो। इस वक्त वो प्रिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई है। भेजे में घुसी बात, हमें तुम्हारी सारी कुंडली पता। अच्छा तो ये बात है। और नहीं तो क्या दाल भात है? ये कहाँ घिस हो गया? अरे यार, भंगिनी भी गायब हो गई। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से डर लगता है। मुझे भी। मेरा पटाखा फूट गया क्या? आपको देखकर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। आपको देखकर मुझे मेरे भैया की याद आ गई। तो ये दोनों यहाँ पर है? अरे लुका छुपी खेल रहे हो क्या? दामाद बाबू, इसका कच्चा पक्का दोनों लाइसेंस मेरे पास है। मेरी कुंडली में मंगल है, फिर भी ये मंगल कन्या मेरे पास है। होली के बाद दिवाली भी चली गई, लेकिन हमारे आंगन में फूल झड़ी जलाने वाला नन्ना मुन्ना नहीं आया। सुमन की गोद 8 साल से सुनी है। आपके पास दिमाग पढ़ने वाली एक्सरे मशीन है क्या दामाद जी? क्या आपको तो फिल्मों में हीरोइन होना चाहिए। सीन कट। ये अभी भी हीरोइन है, पर मेरे पिक्चर की। दामाद जी, अब सारी बातें बाहर ही करेंगे, थोड़ी गुफ्तगु अंदर भी कर लीजिए, आइए। बाय। मैंने जिसके आने की खुशी में सस्ते वाले पटाखे फोड़े, वो तो पति पत्नी के बीच में महंगी मिसाइल छोड़ रहा है। मेरी मर्जी। दामाद जी, चुप रहिए, बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, इसलिए गुसल खाने में जाके गुफ्तगु कीजिए। क्या हो गया बड़े भैया? इसका रिटर्न टिकट निकालो। लेकिन क्यों? अपनी किडनी बेचकर इसके टिकट के पैसे दूंगा। अगर ये घर में आ गया ना, तो हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा कटोरा लेके। अबे चुप कर मनुष। मनुष तो वो है। अब क्यों बुला रहा है? हे ऊपर वाले, तू इसको बुला ले। तुम ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूं, है ना? यहाँ आते हुए रास्ते में विंध्यपुरम हवेली के बारे में मैंने बहुत लोगों से पूछताछ की, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ तो? अगर तुम मुझे विंध्यपुरम हवेली पहुँचा दोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, वरना वरना क्या? हाय, यहीं रहूँगा। ठीक है, ले जाऊँगा, लेकिन एक वादा करो, बाद से मुकर तो नहीं जाओगे? चाहो तो आजमा सकते हो। आजमा खराब हो गया क्या जो तुमको आजमाऊंगा? ए अंदर जा, मेकअप कर। जाती हूँ।